हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे नालवा सन्स इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी जो है ये जिंदल ग्रुप का ही पार्ट है। इसका बिजनेस जो है, बिजनेस में इनका इन्वेस्टिंग इन शेयर्स कर ये शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं और लोन देते हैं अपने ग्रुप कंपनीज़ को। ग्रुप कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र कैपिटल, जिंदल होल्डिंग, जिंदल स्टील, ये सारी कंपनीज़ में इनका ये सारी इनकी सब्सिडरीज़ है, इनमें इन्वेस्ट किया हुआ है नालवा सन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ने। अब इसके फंडामेंटल्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या नज़र आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली बुक वैल्यू 12,000 करोड़ पे है। प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 0.17, प्राइस अभी चल रहा है 2,266। यहाँ से मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक अपसाइड देना चाहिए काउंटर। अब इसका बिजनेस मॉडल जो है उसको ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो सेल्स फिगर है वो इम्प्रूव हो रहा है, एक्सपेंसेस काफ़ी कम है। यहाँ पे OPM देख सकते हैं आप, 99%, 82%। जो सेल्स करते हैं वो उसके बाद एक्सपेंसेस काटने के बाद काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मेन जो चीज़ आपको यहाँ पे देखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 करोड़ का शेयर कैपिटल है, 10 रुपया इसका फेस वैल्यू है एंड 50 लाख शेयर्स है सिर्फ मार्केट में। यहाँ पे अगर आप मार्च 2020 में देखेंगे, सबसे बड़ा जो मेजर टर्न अराउंड था इस कंपनी का वो इस साल में हुआ है। वो क्यों हुआ है वो भी मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप रिजर्व्स देख सकते हैं 443 एंड उसके बाद रिजर्व्स जंप होके 3182 हो गया। वो क्यों हुआ उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आप देख सकते हैं 254, उसके बाद 3141। 2020 में जब कोविड हुआ था, उस टाइम पे जब मार्केट गिरा था, वहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छी खरीदारी की है, इन्वेस्ट किया है एंड वो जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ के आप देख सकते हैं 3141, 5492, 9079। उसके वजह से रिजर्व्स बढ़ गया और हर एक शेयर का जो बुक वैल्यू है वो बढ़ गया। बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे काफ़ी अच्छी पोजीशन है। अब इनका जो मेजर इनकम सोर्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड इनकम से 30% का इनका रेवेन्यू आता है, यानी कि प्रॉफिट आता है। 30% अगर आप यहाँ पे 9,000 करोड़ का इनके पास इन्वेस्टमेंट है, उस पर अगर आप 10% भी देखते हैं या 5% भी पकड़ते हैं, तो काफ़ी बड़ा एक अमाउंट होता है जो कि सीधा सीधा प्रॉफिट है कंपनी को, डिविडेंड आ जाता है। इस वजह से ये कंपनी की पोजिशन काफ़ी अच्छी है, डाउनसाइड ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। एंड प्रमोटर होल्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं 55%, फॉरेन इन्वेस्टर्स 4.96, DII 61 एंड पब्लिक के पास है 38.82। काफ़ी बढ़िया पोजीशन में है ये कंपनी। चार्ट की तरफ अगर देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में ये काउंटर गया था 500 के आसपास, 475 कोविड के टाइम पे 2020 में, बट उसके बाद आप यहाँ पे जंप देख सकते हैं 2,266 पे ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होता है इस काउंटर में, इसीलिए अगर आप चाहें तो इस काउंटर में ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी बाई मत कीजिए, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करके ऐड कीजिए, क्योंकि जब भी करेक्शन आएगा तब एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है। वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐड कीजिए एंड जितना नीचे हो सके आपको वहाँ पर अपना एवरेज लाना है। जैसे ही अपसाइड देखने को मिलेगा इस काउंटर में, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। फाइनेंशियली काफ़ी पॉजिटिव है ये कंपनी एंड ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। छोटी क्वांटिटी से शुरुआत कीजिए, एक साथ ज़्यादा क्वांटिटी बाय मत कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब फॉर रेगुलर अपडेट्स।